हेलो एवरीबडी दिस इज अंकिता एंड दिस इज माई असाइनमेंट ऑन अ गिवन टॉपिक सोशल साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट सो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली ये स्कूल सब्जेक्ट क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्कूल सब्जेक्ट अ स्कूल सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट और अ फील्ड ऑफ अ स्टडी एज वेल एज अ ब्रांच ऑफ अ नॉलेज दैट इज टॉट रिसर्च एट द स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल स्कूल सब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज अ ब्रांच ऑफ अ नॉलेज और अ बॉडी ऑफ अ नॉलेज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू इट्स लर्नर तो बेसिकली स्कूल सब्जेक्ट एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है या बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं जो कि लर्नर को प्रोवाइड होता है डिफरेंट अकेडमिक डिसिप्लिन इसमें होते हैं जैसे कि स्कूल सब्जेक्ट कैन बी अ ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट सचेज़ मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्राफी फिजिक्स मतलब हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो स्कूल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं लाइक like, जितने भी सब्जेक्ट हम अपने स्कूल करिकुलम के अंदर पढ़ते हैं उन्हें हम और उन्हें हम स्कूल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं और जो भी हम उनसे सीखते हैं वो सब कुछ स्कूल सब्जेक्ट के अंदर आता है जो भी उन सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशंस हैं उन सब का जो ऑब्जेक्टिव एम है हमें सिखाने का कि बेसिकली हम वो पढ़ क्यों रहे हैं तो वो सब स्कूल सब्जेक्ट के अंदर आता है तो अकॉर्डिंग टू जोंगी डेंग अ स्कूल सब्जेक्ट रेफर्स टू एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम दैट कॉन्स्टिट्यूट एन इंस्टीट्यूशनली डिफाइंड फील्ड ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग अब समझते हैं कि ये सोशल साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट तो सोशल साइंस को समझते हैं एज अ स्कूल सब्जेक्ट तो सोशल साइंस क्या है तो सोशल साइंस एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि किससे डील करता है ह्यूमन बींग्स के लाइफ से डील करता है ह्यूमन बींग के लाइफ में जो कुछ भी है वेदर इट्स अ देर रिसोर्स वेदर इट्स अ लाइफ वेदर इट्स अ सोसाइटी मतलब एक ह्यूमन बींग के जीने के लिए उनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है हम वो सोशल साइंस सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं और सोशल साइंस हमारे स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है तो हम इसे ही समझेंगे कि सोशल साइंस एज अ तो स्कूल सब्जेक्ट है क्या हम स्कूल सब्जेक्ट में सोशल साइंस जो हमें पढ़ाया जाता है उसके अंदर हम पढ़ते क्या है तो जैसा कि मैंने कहा कि एक ह्यूमन बींग्स के लाइफ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो हम सब कुछ सोशल साइंस में पढ़ते हैं जैसे कि हमारी फैमिली हो गई रिलेशनशिप हो गए लोगों के साथ स्कूल हो गया हमारा वर्क प्लेस हो गया हमारी गवर्नमेंट कैसी है वो कैसे काम करती है कॉमन uh, पीपल को क्या राइट्स हैं हमारे मतलब हमारे कंट्री में कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जुडिशरी हमारी कैसी है हम रिक्रिएशंस के कितने माध्यम हैं हमारे पास तो सब कुछ हम ये सब सोशल साइंस में पढ़ते हैं तो अगर किसी को डॉक्टर बनना है कोई इंजीनियर बनना चाहता है या कोई कुछ भी बनना चाहता है या फिर आ, लोग किस तरीके से एक सोसाइटी में रहते हैं अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं सोसाइटी डिफरेंट हो सकती है जैसे फॉरेन की सोसाइटी का जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस है कुछ अलग है हमारी इंडियन सोसाइटीज़ के नॉर्म्स अलग हैं तो एक वहाँ का इंसान और एक यहाँ इंडियन सोसाइटी का इंसान कैसे अपने आप को उस आ, परिवर्तन या उस सिचुएशन में कैसे अडाप्ट करता है कौन से मॉरल वैल्यूज़ किन चीज़ों का ध्यान रखते अपने अंदर वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करता है उस सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के लिए हमारे डिफरेंट कल्चर हेरिटेज हैं तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या थे वो हम सब सोशल साइंस में पढ़ते हैं तो

इकोनॉमिक्स uh, हो गई पॉलिटिकल साइंस हो गया साइकोलॉजी हो गई एंड मैनी मोर तो अब ये सब्जेक्ट uh, हम अपने स्कूल लेवल के बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं क्या होगा उनसे मतलब आखिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का हर चीज़ के पीछे रीजन होता है तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए मतलब क्यों ज़रूरत है वो बच्चों के लिए आखिर उनके लाइफ में उनके बिहेवियर में क्या चेंज आ जाएगा उन्हें किन चीज़ों को समझने की जरूरत है तो वो हम देखेंगे तो ये सब्जेक्ट्स क्या करते हैं अवेयरनेस देते हैं हमें वर्ल्ड और एनवायरनमेंट के बारे में इसमें जो लेसन्स uh, रहते हैं हमारे माय फैमिली नेबरहुड कम्युनिटी हेल्पर इन दिस वैली सिविलाइजेशन मॉडर्न पीरियड हो गई इंडियन हिस्ट्री की हमारी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मतलब ये सब हम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि ये सब हमें अपनी कंट्री uh, मतलब पूरी दुनिया के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमारे आसपास क्या चल रहा है हमारे देश में क्या चल रहा है हमारे स्टेट में क्या चल रहा है हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं और इन ये हमें अवेयरनेस क्रिएट करता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमारी कंट्रीज़ में क्या चल रहा है ये हमें हम इसमें हाउ द वर्ल्ड एंड डिफरेंट सोसाइटी हैव इवॉल्व जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा मोहनजोदारो उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड हाँ, मतलब कैसे स्टैब्लिशमेंट हुई उसके बाद सोसाइटी कैसी थी फिर लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुआ फिर हिस्ट्री को हम मेडिवल पीरियड में जब जाते हैं तो हमें हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत हुई उसके बाद फिर मेडिवल पीरियड आया मेडिवल पीरियड में बाबर आए मुगल्स आए तो उसके बाद फिर कैसे कैसे चेंजेस हुए फिर हम मॉडर्न पीरियड में देखते हैं कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमें क्या हमारी कंट्री को कैप्चर करके तो फिर हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ये बेसिकली डेवलपमेंट और कैसे कैसी हमारे नेशन या हमारे कंट्री में क्या क्या सिचुएशन हुई हम पास्ट को पढ़ते हैं ताकि हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर उसके बेसिस पे बना सके या सुधार सके या फिर जो पास्ट में गलतियाँ हुई या पास्ट की चीज़ों को सीख कर हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बेहतर बना सके उनसे इंस्परेशन ले सके एक बेसिकली आइडिया ले सके तो सोशल स्टडीज़ में हम लोकली अपने नेशनली और ग्लोबली सीखते हैं अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे डिफरेंट सोसाइटी मैनेज होती थी स्ट्रक्चर कैसे थी गवर्न कैसे होती थी जैसे हम अकबर के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम वो देखते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी थी वो कैसे चलाते थे अपने राजपाट को तो वो सब कुछ हम इसमें देखते हैं तो एक वर्ल्ड को एक बेटर पर्सपेक्टिव से समझने के लिए हमें सोशल स्टडीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो उसमें जैसे लेसन्स होते हैं हमारे आर अर्थ सोलर सिस्टम मेजर लैंडफॉर्म हम ये सब चीज़ें जोग्राफी में पढ़ते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट पोल्यूशन नेचुरल वेजिटेशन तो ये सब क्यों जरूरी है तो ये सब हमें इवेंचुअली हेल्प करता है डेवलप करता है एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हमारे एनवामेंट के तरफ हमें अपना ध्यान आकर्षित करता है इन चीज़ों के बारे में और हमें जानकारी देता है कि जो ह्यूमन हैबिटाट है उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ें कैसी हैं तो हमें अपनी अर्थ और सोलर सिस्टम जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा पल्यूशन है तो हम पल्यूशन को समझेंगे तभी तो उन उन्हों उनको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स है वो देख पाएंगे जैसे लैंडफॉर्म है एनिमल्स का इवॉल्यूशन कैसे हुआ अब उनको हम अपने एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा ओजोन लेयर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन होता है तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं प्रिजर्व कैसे कर सकते अपने अर्थ को अपने एनवायरनमेंट को ग्रीनरी कैसे स्प्रेड कर सकते तो ये सब चीज़ें हम सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं जैसे हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते ताकि हमें अवेयरनेस हो वर्ल्ड और एनवायरमेंट के बारे में या फिर हम सोशल स्टडीज़ में ये भी पढ़ते हैं कि अपने अर्थ अपने सोलर सिस्टम मेजर लैंडफॉर्म जैसे अपने एनवायरमेंट को एक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं आसपास के दुनिया को तो हम ये पढ़ते हैं उसमें नाउ द सोशल साइंस हेल्प्स टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग वो हमें सोचने पे मजबूर करता है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल और स्किल्स uh, लाइक like जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गई अनालस हो गया इवालुएशन हो गया क्रिएटिविटी हो गई ये सब इनकलकेट करता है स्टूडेंट में जैसे हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं कास्ट uh, सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट uh, में जाके डिफरेंट अप्रो इंफॉर्मेशन देता है और हमें ऑब्जर्व करने का चांस देता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से अपने नोशन से अपनी थिंकिंग से ये सब चीज़ों को समझ पाए अपनी कॉन्सेप्ट बनाए कि आखिर जैसे अपनी कॉन्सेप्ट और जो ये स्टेब्लिशमेंट पहले से है तो इनमें रूल कैसे इनमें कनेक्शन कैसे बना सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जैसे बहुत गरीबी है तो पॉवर्टी का जो पॉवर्टी हम किस चीज़ में पढ़ते इकोनॉमिक्स पर में पढ़ते तो हमारे देश की अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो हमारे यूथ जब तक उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो पॉवर्टी को हटाने में कैसे हेल्प कर पाएंगे हमारे कंट्री में पॉलिटिकल प्रायोरिटीज का भी होना बहुत क्लियर है कि आखिर जो पॉलिटिशियंस है एक यूथ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं तो बेसिकली जो सोशल साइंस है ये सब जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो मुद्दे हैं वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम इन्हें सोचें मतलब एनालिसिस करें प्रॉब्लम के बारे में उसे इवालुएट करें सोचने पे अपनी आइडिया लगाएं अपनी थिंकिंग लगाएं उन्हें कंट्रोल करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट करने के लिए तो स्टूडेंट्स अपना रोल होना चाहिए इन सब स्टूडेंट इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में तो सोशल साइंस हमें अपनी सोशल अंडरस्टैंडिंग को भी सुधारने का मौका देता है कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है किन चीज़ों से हमारी सोसाइटी बेहतर बनेगी जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की क्या अच्छाई है ज्वाइंट फैमिली में रहने से आ, क्या एडवांटेजेस हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया एक सिक्यूलर कंट्री है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो ट्वेंटी स्टेट है तो ट्वेंटी स्टेट के अपने इंडिविजुअल कल्चर हैं फेस्टिवल्स हैं तो कम्युनिटी है उनके अपने रिफॉर्म्स हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सोशल साइंस हमें जानने का मौका देता है उन्हें एक दूसरे से समझने का मौका देता है जैसे ह्यूमन बिहेवियर कि हमें दूसरों के साथ दूसरे कल्चर के पीपल के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमारा बिहेवियर बहुत एप्ट होना चाहिए हमें मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए एक दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए तो हम इन चीज़ों के बारे में भी सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में जो भी कल्चर है मतलब मल्टीपल कल्चर है एक नहीं मल्टीपल कल्चर है सेक्युलरिज्म क्या होता है हमें एक दूसरे को कैसे सोसाइटी uh, में सपोर्ट करना चाहिए अगर जो सोसाइटी स्टार्टा है जो uh, जैसे कुछ लोग को हमारी ज़रूरत है तो हमारी थोड़ी सी हेल्प से उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है तो हम उनकी लाइफ में वो बेहतर चीज़ कैसे डाल सकते हैं उन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं या फिर उनकी नीड क्या है तो हम ये सब चीज़ पढ़ते हैं उसमें तो एक मॉरल uh, डेवलपमेंट का भी स्कोप होता है स्टूडेंट में हम सोशल साइंस में डिफरेंट रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कास्ट एंड क्रीड के बारे में पढ़ते अपने नेशनैलिटी के बारे में पढ़ते जैसे हमने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ते तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे लोगों के साथ कितना गलत हुआ कितना जुलम हुआ या फिर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने देश को आज़ाद करने के लिए तो हमें वो नेशनैलिटी की फीलिंग डेवलप होती है हमारे वैल्यूज़ क्या हैं जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे किसी स्टेट में और लैंग दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है हम कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं बट इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी हम लोग यू Knight है मतलब यूनिटी लाइज़ इन डाइवर्सिटी तो हम ये सब चीज़ पर, उसी चीज़ में पढ़ते जैसे खान पान का हैबिट दूसरा है कपड़े पहनने का ढंग दूसरा है तो जो सोसाइटी में इतने मल्टीपल चीज़ हैं डिफरेंट थिंग्स हैं तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए अवेयरनेस ये स्टूडेंट में क्रिएट करता है कि आखिर सोसाइटी में चल क्या रहा है, हमें वो अवेयर कराता है जैसे मल्टी कल्चरल के भी तो लोग रहते हैं कम्युनिटी में हर तरीके के लोग रहते हैं अमीर गरीब मिडिल क्लास फैमिली तो उन सभी को रिस्पेक्ट करना कैसे करना उन्हें छोटा फील ना कराना ये सब चीज़ हम सो, आ, सोशल साइंस में ही पढ़ते हैं और जब हम अपने गवर्नमेंट की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है ओलिकोक्रेसी क्या है आ, जैसे कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि हमारे Uh, मतलब जो कॉमन पीपल है उनके हाथ मतलब उनके हाथ में कितनी पावर है उनके पास क्या राइट right है मतलब हमारा लाइफ किस तरीके से हो सकता है हमारे पास किन चीज़ों के लिए लिबर्टी है फ्रीडम है इन सब चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं जैसे कि कॉमन पीपल के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें जस्टिस लेने के लिए उन्हें किन चीज़ों का मतलब किन प्रोसेस से गुजरना होगा तो ये सब आ, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजी है मल्टीपल पार्टीज़ हैं इंडिया में तो उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी होती है उनके अपने प्रैक्टिस होते हैं इलेक्शन किस तरीके से होते हैं हमारा प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है जो अधिकारी है जो हमारे सुपर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास क्या पावर है देश हमारा कैसे चलता है तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस तो हमें एक बेटर सिटीजन बनने का भी मौका देता है जैसे सब्जेक्ट्स इन सोशल स्टडीज लाइक इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेट स्टूडेंट ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिटीजनशिप राइट एंड ड्यूटीज़ मॉरल एंड वर्चूल सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड मेकिंग चिल्ड्रेन अवेयर ऑफ देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर इन रिलेशन टू द सोशल एंड द सिविक अफेयर By providing relevant information and knowledge, skill and attitude, the study of the social science In today's global economy world, only being exposed to the immediate community is not idle. Through social study education, students get to learn about the vast area of the people culture that makes up the global community by studying world population from both a historical and the sociological perspective, students will get a better understanding of themselves and how they fit into a greater world. further, when they enter the workforce, students will be better equipped to compete in the international marketplace by having some understanding of the different cultural norms. social study classes help students to understand the responsibility that citizens including themselves have in their communities through social studies, students learn how all levels of the government function and become familiar with the role that citizens play in the shaping the legal and political landscape students also gain the ability to compare and critically analyze the different government styles so हेयर आर द सम इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोशल साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम तो जो सोशल साइंस पढ़ाने का के पीछे जो हमारा उद्देश्य है एक स्कूल करिकुलम में या स्कूल लेवल पे या प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट या फिर अपर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट को वो दे आर लाइक इट हेल्प्स टू फॉर्म द एफिशंट सिटीजन्स ऑफ द डिमोक्रेसी इट डेवलप द नेशनल व्यू पॉइंट इट मेक्स अ मैन ड्यूटी बाउंड It enlightens the path of progress and advancement. It enhances the moral status of a society. It helps to solve the critical social problem. It develops the imagination, critical thinking among the student. It clarifies the duty of the citizen towards the human society. It develops the desirable attitude. It develops the human qualities. It promotes appropriate social behavior. It develops the power of a reasoning. It develops the feeling of brotherhood. It helps to mold the individual according to the needs of the environment. It develops the good habit and the social efficiency. It socializes the student and it develops the social and the moral values. The National Curriculum Framework 2005 says that studying the social science provide the learner the social cultural and analytical skill required to adjust to an increasingly interdependent world the social sciences carry a normative responsibility of creating a strong sense of human values namely freedom trust mutual respect and respect for diversity the social science teaching should aim at generating in the student a critical moral and mental energy making them alert to the social forces that threaten this value so basically at the conclusion social science as a school subject fulfill the multiple criteria तो सबसे पहले वो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्रिएट करता है अबाउट दी सोशल फिनमिन लाइक जैसे सोशल हैपनिंग नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इशू प्रिटेनिंग टू द सोसाइटी जैसे सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज़ हैं लाइक प्रति लाइक सती एबॉलिशन ऑफ द सती कास्ट सिस्टम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जॉब्स रिजर्वेशन चेंजेस द डायनमिक्स ऑफ द सोसाइटी कि आज से दस साल पहले सोसाइटी कैसी थी सोसाइटी में कैसे चेंजेस होते हैं डाइवर्सिटी एंड द इंक्लूसिवनेस द अंडरस्टैंडिंग द जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ बिग इशू द क्लास डिस्क्रिमिनेशन द डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन Next is the engaging in social inquiry exploration and understanding the cross- cultural and cross-sectional dimension of the society madam social inquiry explore career akir cross culture or cross- sectional dimension of the society may differences hai? understanding the social culture and economic diversity of the society the social culture or economic level pe world pe of diversity here. तो उन चीजों के बारे में आप देखिए अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल राइट एंड ड्यूटी कि एक इंडिविजुअल के पास क्या राइट right है क्या राइट्स गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड करती है और उनकी ड्यूटी क्या है अंडरस्टैंडिंग द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इथिकल प्रैक्टिस एंड लव फॉर द एंटायर वर्ल्ड सो दिस इज ऑल फॉर द सोशल साइंसिस एज अ स्कूल सब्जेक्ट दीज आर माई रेफरेंसेज थैंक यू